उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से दिल को दहला देने वाली घटना। सिरफिरे पति ने पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि जनपद बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतापुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी और लाश को छुपाने के लिए गाँव के बाहर बाग में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि रुपईडीहा इलाके के जैतापुर में विनोद नाम के एक व्यक्ति ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा किया और फिर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में रुपईडीहा थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद के पिता ने बताया कि उसके पुत्र ने ही बहू की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला बहराइच जनपद के रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतापुर गाँव का है, जहाँ पर जैतापुर निवासी विनोद पुत्र दुखी राम के ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति विनोद अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। यहाँ तक कि गुस्से में विनोद ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी को पीट पीट कर हत्या कर दी। जब विनोद को लगा कि उसकी पत्नी मर गई है तो पत्नी की लाश को छुपाने के लिए गांव के बाहर बाग में फेंक दिया। लघु शंका करने के लिए ग्रामीण जब बाग की तरफ गए तो वहां पर महिला की लाश को पड़े हुए देखा। बाग में महिला की लाश पड़े होने की खबर जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते बाग में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतका के ससुर दुखी राम ने स्थानीय लोगों की सहायता से तत्काल पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रुपईडीहा थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पिता दुखी राम ने साफ साफ कहा है कि उसके बहू की हत्या उसके बेटे ने ही की है। इस मामले में रुपईडीहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये दिखाते हैं मृतका के ससुर का इस मामले को लेकर क्या कहना है। दादा, क्या नाम है आपका? दुखी राम। अच्छा, ये कौन है आपकी बहू? क्या हुआ इसको, कैसे मौत हुई? अरे लड़का मार, काहे के लिए मार दी इसे? अब पता नहीं काहे मार दी। अच्छा, तो बातें अलग रहे। कहाँ मिली थी ये? मिली है बाग में। अच्छा, कैसे हालत मिली है? ये मरी पड़ी रही। मरी पड़ी रही। कौन सा गांव का मामला है ये? है संगल्पा थाना बैठिया। अच्छा, कोई कारण नहीं पता चला काहे के लिए मारी से? अब वही जान लड़के जान। कौन चीज से मारी से? डंडा से मारी, पीट पीट के। हाँ, पीट पीट। थाना रुपईडीहा के ग्राम जैतापुर की ये घटना है। इसमें विनोद जो व्यक्ति है उसने अपनी पत्नी के सिर में चोट डाल दी, मार दी थी, उसी वजह से उसकी घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पत्नी का नाम प्रेमला है। इसके विरुद्ध उनके फादर ने ही FIR दर्ज कराई है। इसमें विनोद को जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, आज जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या क्या वजह थी जो उसके पति ने उसको मारा? इनके द्वारा पूछताछ बताया गया, उनके जो अभियुक्त उसके पिता द्वारा ही बताया गया। इनके आपस में कई दिनों से लड़ाई झगड़ा होता रहा था और काफ़ी इनके विवाद रहता था, तो इसी वजह से झगड़े के कारण इसने और इसको चोट पहुंचाई है, जिससे कि सर में चोट काफ़ी गहरी चोट आई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।